अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी YouTube फर्स्ट इनकम कैसे आई, कब आई, मोनेटाइजेशन होने के बाद कितना समय लगा, ये सारी चीजें आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। अगर आप ठीक नहीं है तो मुझे देख के ठीक हो जाएंगे। मैं आपका दोस्त आकाश एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मेरी फर्स्ट इनकम क्या थी, कैसे थी और कैसे आई। इस बारे में हम पूरी चीजें बात करेंगे और यस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो जरूर पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा जर्नी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बेसिकली इट वॉज द 5 मंथ्स, मतलब अभी तक 5 महीने हो चुके हैं और मैंने ये जो सेकेंडरी चैनल था जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इंस्पायरिंग मैन आकाश, वो मैंने चालू किया था। और मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि मेरा और एक चैनल था जिसका नाम था इम्पॉसिबल आकाश, जो कि अभी मैं उस पर वीडियोज नहीं डाल रहा हूँ, बट उसमें 1 साल की मेहनत थी और मुझे कहीं ना कहीं यूट्यूब से रिकमेंडेशन आ रहे थे कि आप सेकेंडरी चैनल खोल सकते हो जिससे शायद आपका ग्रोथ हो जाए। और हम हमेशा YouTube के रिकमेंडेशन कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, बट यस, वो मेरे लिए वर्क हुआ। मैंने एक सेकेंडरी चैनल ओपन किया, उसका नाम था इंस्पायरिंग मैन आकाश, जिस चैनल पे आपका स्वागत है। और यस, ये चैनल खुलने के बाद मैंने एक नोटिस किया और मैंने कोशिश की कि YouTube का एल्गोरिदम कैसा वर्क करता है। यस दोस्तों, YouTube का एल्गोरिदम जो वर्क करता है वो कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है जिसके लिए आपकी वीडियो वायरल करें। यस, जब भी आप मोनेटाइज करने जाते हैं, यस, वहां पे एक पर्सन रहता है जो प्रॉपरली आपकी इन डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन देखता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप एलिजिबल हो या नहीं। बट जब आप एक्चुअली ग्रो करना चाहते हो, जब तक आपकी वीडियो वायरल नहीं जा रही है, तो आपको मैं टिप्स दूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट टिप कि जब भी आप बात करेंगे, आप कोई भी चैनल ओपन करेंगे, आपका चैनल का जो नीच है वो क्या है वो आपको डिसाइड करना है। कुछ लोग हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग निश पे एक ही चैनल पे काम करते तभी भी वो ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज उनका फैन बेस पहले से ही बैठा हुआ है, ये समझने की कोशिश करें। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको एक ही निश यूज करना है। निश आपको पता है कि अलग अलग टॉपिक्स हैं यूट्यूब के ऊपर जिसके ऊपर आपको वीडियो बनाना होता है। तो पहला निश सब्जेक्ट है कि पहला आपको निश सिलेक्ट करना है, सेकेंड कि आपको ग्रोथ कैसे करनी है। ग्रोथ करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ओनली शॉर्ट चैनल है जिसपे आप ग्रोथ करना चाहते हैं, और शॉर्ट चैनल पे जो है आपको कंटिन्यूअसली डेली एक वीडियो डालनी होगी कंटिन्यूअसली। अगर आप मतलब शॉर्ट वीडियो करना चाहते हैं तो बेसिकली दिन में एक बार या दिन में 2 से 3 बार वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग अगर आप बात करेंगे तो सुबह 11 बजे और शाम में अंदाजन 7 बजे के बाद में आप वीडियो डाल सकते हैं, ये शॉर्ट्स के लिए है। और सेकेंडरी हम बात करेंगे अगर आपका लॉन्ग वीडियोस के लिए आपने वीडियो आप डालते हैं और आपका चैनल पे आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस करना, चैनल पे लॉन्ग वीडियोस प्लस शॉर्ट जो वीडियोस है आप पोस्ट करते रहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि शॉर्ट एक ऐसी चीज है जो यूट्यूब खुद प्रमोट करता है और ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन भेजता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ शॉर्ट डालते हैं और डेली चालू करते हैं, उसमें थोड़ा भी कंटेंट अच्छा हो जो इन्फॉर्मेटिव हो, किसी और का वीडियो मत यूज करिएगा, सिर्फ आपका कंटेंट हो और उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, वो धीरे 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 यूट्यूब खुद एल्गोरिदम में पकड़ेगा और आगे जाएगा। एक सीक्रेट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी प्रोफेशन में हेल्प कर रहा है, और यही तो सीक्रेट मैंने इसको दिमाग लगाया। और यस, आज मुझे याद है कि 3 महीने के अंदर ही मेरे एक शॉर्ट है बहर लहा मधुमास नवा जो सॉन्ग है उसके ऊपर मेरे ऑलरेडी 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके थे। आपको तो क्राइटेरिया पता ही है, 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच टाइम और 10 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट्स, राइट। मेरा जो मोनेटाइजेशन हुआ वो 3 महीने के बाद में हुआ शॉर्ट मोनेटाइजेशन में, और शॉर्ट मोनेटाइज होने के बाद में भी टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट मोनेटाइज होने के बाद आपका एक गूगल एडसेंस को ओपन करना पड़ता है। गूगल एडसेंस ओपन करने के बाद उसमें आपका $10 जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन है, जो पिन आपके घर पे डिलीवर होती है बाय पोस्ट। थर्ड चीज है जिसपे हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट कब ऐड करें। तो यस, $10 कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट
आपका जो है लिंक करना होगा, फिर उसमें बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। और गूगल एडसेंस का और एक थ्रेशोल्ड है, यानी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि $100 आपको कंप्लीट होने के बाद ही आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। वो कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये अगस्त का मंथ है और आपका $100 कंप्लीट हो चुका है, तो इस 10 तारीख को अगस्त के आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी सेम मंथ में 21 से 26 के बीच में आपका अमाउंट आपके पास क्रेडिट होगा। तो अब ये सारी बात मैंने बहुत कर ली, बट फाइनली अभी हम बात करते हैं शॉर्ट मोनेटाइजेशन मेरा जो हुआ था, मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ था वो एक्चुअली मेरे बड़े भाई के बर्थडे के ऊपर हुआ था 28 मई के बाद मैंने शॉर्ट जब उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद विद इन 2 डेज में मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया था। अप्लाई करने के बाद उस दिन मेरा एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो गया था फाइनली। उसके बाद में भी $100 कैसे कंप्लीट करे बहुत मुश्किल था और बिग अचीवमेंट था, फिर धीरे 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 हो गया। 2 महीने मुझे उसको लगे $100 कंप्लीट होने के बाद, फाइनली 3rd मंथ के बाद मेरा ये पेमेंट कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 महीने टोटल मेरा काम हुआ है इस चैनल पे। और फाइनली अभी कुछ मेरा जो पेमेंट है इस महीने के अभी कल ही पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है, डेट है 28 अगस्त, यस 28 अगस्त को मुझे पेमेंट मिला है फाइनली कल। मेरी तबीयत खराब है तभी भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज तुरंत लाइक कर दीजिए। आप वीडियो पूरा देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। फाइनली पेमेंट तो आ गया है बट कितना आ गया है आपको जानना है, मुझे पता है। तो आपको पता है कि YouTube के नॉर्म्स के हिसाब से आपको कितना अमाउंट आपकी इनकम कितनी है वो आप बता नहीं सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैं एक अप्रोप्रिएटली कुछ कोशिश करूंगा कि आपको अंदाजा आ जाए। तो सिंगली मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर आप कोई छोटा सा कबर्ड लेते हैं जो आपके घर में बैठ जाता है, उसकी अमाउंट आप अंदाजन पकड़ सकते हैं उतना एक मेरे अमाउंट में आ जाएगा। एक अच्छा खासा स्मार्टफोन जो एक मीडियम क्लास का जो पर्सन है यूज करता हो उतना अमाउंट तो आ चुका है फाइनली दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैंने मेरी अमाउंट तो मैं रिवील नहीं कर सकता बट मैंने आपको अंदाज दे दिया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो को तुरंत प्लीज लाइक कर दीजिए, जो अच्छा पार्ट लगा हो प्लीज कमेंट कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज तुरंत कमेंट कर दीजिए और कैसे लगा बता दीजिए। और यस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।